असलम दोस्तों, आज की वीडियो में तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम अपने कंप्यूटर पर किस तरह अपने व्हाट्सएप को ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर के गूगल पे जाना है। दोस्तों गूगल पे आपने लिखना है व्हाट्सएप वेब। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, आपने अपने कंप्यूटर के गूगल के सर्च बार में लिखना है व्हाट्सएप वेब। दोस्तों आपके सामने काफी सारी वेबसाइट आ जाएंगी। तो दोस्तों आपने जो सबसे पहले नंबर पे जो वेबसाइट होगी व्हाट्सएप वेब के नाम से, उस पे दोस्तों आपने कर देना है क्लिक। दोस्तों जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कोड बार खुल के सामने आ जाएगा। फिर दोस्तों आपने अपने मोबाइल पे जाना है और उस व्हाट्सएप को ओपन करना है जो आप अपने कंप्यूटर पे व्हाट्सएप को ऑन करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपने अपने व्हाट्सएप को ऑन करना है, ऊपर जाना है थ्री डॉट्स पे। ये दोस्तों देख रहे हैं थ्री डॉट्स पे ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आ जाएगा लिंक्ड डिवाइस। तो दोस्तों आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। दोस्तों क्लिक करने के बाद फिर आपसे ये पूछेगा, कंफर्म करेगा, फिर आपने डिवाइस के ऊपर कर देना है क्लिक। और अगर आपके मोबाइल पर कोई पासवर्ड या फिंगरप्रिंट लगा हुआ तो वो आपने उसको ओपन कर लेना। दोस्तों ओपन करने के बाद आपके जो कंप्यूटर पे कोड बार भी आ जाएगा और आपके मोबाइल पे जो क्यूआर कोड बार का स्कैनर है वो भी ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आपने इसको कर लेना है स्कैन। दोस्तों स्कैन करने के बाद जिस व्हाट्सएप को आपने अपने कंप्यूटर पे ऑन किया होगा वो व्हाट्सएप आपके कंप्यूटर पे ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ऑन होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने यूज किस तरह करना है और इसको हम लॉग आउट किस तरह कर सकते हैं। बस दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा जो व्हाट्सएप है, जिस व्हाट्सएप को हम अपने कंप्यूटर पे ऑन करना चाहते हैं वो ऑन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम किसी भी अपने जो व्हाट्सएप को ऑन किया इसको लॉग आउट करना चाहते हैं तो ये ऊपर दोस्तों आपको थ्री डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। इसके दोस्तों आपने कर देना है क्लिक। तो नीचे दोस्तों आपको निशान नजर आ जाएगा लॉग आउट पर। दोस्तों यहाँ से भी आप लॉग आउट कर सकते हैं। हाँ अगर आप मोबाइल पे लॉग आउट करना चाहते हैं तो आपने फिर से थ्री डॉट्स पे जाना है। थ्री डॉट्स पे जाने के बाद फिर उस लिंक डिवाइस पे जाना है और दोस्तों जो जिस कंप्यूटर पे जिस नाम से आपने विंडो ओपन की होगी उसको दोस्तों आपने करना है क्लिक। दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉग आउट का ऑप्शन नजर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जो जो चीज़ें हमने आपको समझाई हैं यकीनन आपको समझ आ गई। अगर किसी चीज़ का आपने कोई सवाल पूछना है तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकअल्लाह।